हाय गाइस, मैं हूं ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से मुल्तानी मिट्टी में क्या क्या चीजें मिलाकर फेस पैक तैयार करेंगे, जिसको लगाने के बाद एक बार में ही आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा निखार आएगा। आपका जो कलर है डे बाय डे गोरा होता जाएगा, साथ साथ चेहरे पर चमक आएगी। अगर आपका चेहरा बहुत रूखा हो गया, स्किन बहुत डल लगती है, तो इस फेस पैक के बाद आपकी स्किन की जो डलनेस है वो खत्म हो जाएगी, चेहरे में चमक आएगा और आपके चेहरे के जो डार्क स्पॉट्स है वो खत्म होंगे। साथ साथ छोटे मोटे जो दाने निकलते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, वो भी आपके खत्म हो जाएगी। और गर्मियों के सीजन के हिसाब से तो ये फेस पैक बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मुल्तानी मिट्टी फेस पैक को हमें बनाने के लिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करने चाहिए और उसको शामिल करने के बाद हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, चेहरे को गोरा और चमकदार बनाने वाले इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मुल्तानी मिट्टी पाउडर, क्योंकि ये जो फेस पैक है वो मुल्तानी मिट्टी पाउडर का ही है। तो ये हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट होगा। तो हम यहाँ पे एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर ले लेंगे। इसके बाद से सेकेंड चीज हमें इसमें ऐड करनी है, एक चम्मच शहद। ठीक है, एक चम्मच हम शहद ले लेंगे। और इसके बाद से इस फेस पैक को अच्छे से बनाने के लिए, मिक्स करने के लिए, हम यहाँ पे यूज करेंगे रोज वाटर का। आप चाहे तो नॉर्मल पानी का भी जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपके पास रोज वाटर है तो रोज वाटर का यूज करें। इसके बाद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे फेस पैक बनके हो गया रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आपको आपकी फिंगर्स की हेल्प से पूरे फेस पे सबसे पहले इसको लगाना है। तो इस तरह से सबसे पहले आप पूरे फेस पे इसको लगा लेंगे और लगाने के बाद आपको अच्छे से 5 मिनट के लिए करना है मसाज। हमने सबसे पहले इसमें ऐड किया मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी पाउडर हमारे जो स्किन को लाइट करता है, गोरा बनाता है, हमारे चेहरे की काली परत को उतारता है और साथ साथ जो एक्ने की प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करता है। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया शहद। शहद हमारे चेहरे को चमकदार बनाता है, साथ साथ हमारी स्किन को भी लाइट करता है, गोरा बनाता है और चेहरे पे बहुत ज्यादा चमक लाता है। आपकी स्किन अगर ड्राई हो गई है, चेहरे पे चमक नहीं है, तो शहद का इस्तेमाल करने से चेहरे पे चमक जो है वापस आ जाता है। इस तरह से लगाने के बाद आपको ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से मसाज करना है। कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करना, नीचे से ऊपर की तरफ करना है, वरना हमारी स्किन लटक जाती है, लूज हो जाती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है कोई भी फेस पैक लगाने से पहले। अच्छे से आपने लगा लेना है और साथ साथ जो आपके छोटे मोटे जो दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको भी ये खत्म कर देगा। एक्ने की प्रॉब्लम की खत्म होगी। और अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स है तो आप क्या करें, जो शहद होता है सिर्फ आप शहद ले और अपने पिंपल्स पे लगाना स्टार्ट कर दे, लगा के छोड़ दे। और बाद में जब आपको काफी टाइम हो जाए, 2-3 घंटे बाद जब आपको बाहर जाना हो, तो आप क्या करें, नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर ले। इस तरह से करने से आपके चेहरे के पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे। काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें पिंपल्स है, पिंपल्स के लिए क्या करें, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप शहद का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आपने मुल्तानी मिट्टी फेस पैक को अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेना है और ऐसे मसाज के बाद अब मैं इसको अपने फेस पे इसी तरह से लगा हुआ छोड़ दूंगी। और जब ये सूख जाएगा तो नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने मेरे फेस पैक को अच्छे से सुखाकर चेहरे को वॉश कर लिया है। सेम इसी तरह से आपको भी ये रेमेडी का इस्तेमाल कर लेना है। चेहरा धोते टाइम आपको बस नॉर्मल पानी का ही यूज करना है, आप कोई भी फेस वॉश या साबुन का यूज नहीं करेंगे। तो अभी मैं इसको जो है क्लीन टॉवल से पोंछ लूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आता है ना, उसको जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आदि बाय करो। बाय बाय। बाय बाय।